that you all may be familiar with various books for different subjects, which come in NABARD grade A exam. And in market, there are so much of books of different, different authors. So NABARD aspirants are actually confused, which book to read, can it be covered within two to three months, right? So today let's discuss a minimalistic as well as a realistic book list, which can cover your content ज सेव यूर प्रेस इन द प्रिशन ऑफ नाबार्ड ग्रेडे एग्जाम सोन वेस्टिंग आर वीडियो नाबार्ड का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है एंड एज वी ऑल नो द एग्जाम इज राइट अराउंडर एनी टाइम सून इन दिस मंथली नोटिफिकेशन में एग्जाम वुड बी राइट अराउंड कॉर्नर इन दिसके सो यू आर

तो भाई एक बार बुक खोल ही लेते हैं किताबें खोल देते हैं सो दिस इज द बुक लिस्ट वी आर प्रोवाइडिंग बट बिफोर दैट दैट ओके आई हैव समथिंग फॉर यू एंड इज अ वेरी बिग सरप्राइज एंड वॉट दिस सरप्राइज इज इज डेफिनेटली वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू टू द एंड ऑफ दिस वीडियो बट थमने देख के ही आपको पता लग गया होगा दैट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अ गिव अवे अल्सो सो अपार्ट फ्रॉम बुकलिस्ट विच वी आर शेयरिंग विद यूर इज ऑल्सो अवे पर वो गिव अवे कैसा होगा आपको मिलेगा वक्त यह तो आपको वीडियो के बाद ही पता चलेगा सो स्टे टून एंड वेट टिल द लास्ट मिनिट ओके बिकॉज गिव अवे यू आर गोना लाइक दिस ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ आर बुक लिस्ट जब हम बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं फेज वन एंड फेज टू

क्वांटिटेटिव क्वान्टिटेटिव्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी क्योंकि क्वांट और रीजनिंग एक साथ ही एक सब्जेक्ट है सो क्वांट एंड रीजनिंग आई वुड रिकमेंड यू दैट यू कैन डेफिनेटली फॉलो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अलोंग विथ पास्ट ईयर पेपर्स फॉर आरबीएस ए बी एंड नाबार्ड ऑफ आर प्लेटफॉर्म इट्स एंड वाई एम सेंग दिस दिस इज नथिंग अबाउट मार्केटिंग एंड दिस इज नॉट इवन अबाउट पुशिंग आर प्लेटफॉर्म टू यू बट देर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू सेग्रीगेट बिटवीन आर रीजनिंग बुक एंड एनी नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम रीजनिंग बुक विच स्पेशली वी कैन टेक द बुक ऑफ आर एस अग्रवाल सो इफ यू कंपेयर दिस टू बुक्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू गेट माई लॉजिक लॉजिक क्या है ओके ये क्वांट का बुक जो है इसका इसमें जो सिलेबस है टॉपिक्स है द uh, क्वेश्चन जो पूछे गए है द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज री मॉट डिफिकल्ट इट इज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स And this same book is used for SSC, for banking, for UPSC, for various other exams, even for CAT exams, right? So do you think really can this quant book satisfy the level of the questions which are asked in NABAD exam? Right? So that's why our book is having an upper hand as compared to the other. अगर आप देखोगे आर एस अगरवाल एस चांद जैसे बुक्स नो वंडर दीज आर वेरी गुड बुक्स ओके बट इन आर बुक द लेवल इजी मॉडरेट एंड एक्सट्रीम एट द सेम टाइम द पास्ट इन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड द इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज सेग्रिगेशन इज ऑल्सो देर

ओनली वन बुक फॉर अदर प्लेटफॉर्म यू गो यूट्यूब करोगे क्वान के लिए ये चैनल वो चैनल बता देंगे राइट right? हजार दो तीन बुक बोल देंगे पढ़ने के लिए ये कंसेप्ट के लिए शॉर्टकट्स के लिए क्वेश्चन सोलविंग uh, के लिए ये,

If you are weak in filling the blanks and grammatical questions which are asked in phase one, then you can definitely follow Renan Martin. And most importantly, your reverse engineering. That means first solving the questions, then identifying which is your weak topic and which is your strong topic that you have to identify and then practice. Okay. This you can even do from English language topic-wise topic solved papers by Disha publication. Only two books we are provided. अदर थिंग विच इज वन ऑफ द डिफरेंट मेथड थ्रू विच यू कैन इंप्रूव यूर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स वोकैबलरी एंड इंग्लिश ग्रामर इज रीडिंग एंड हाउ टू रीड इट टू मेक इट एन हैबिट है बनानी है कोई भी न्यूज पेपर आप पढ़ सकते हो सो फॉर एग्जाम्पल एज यू आर प्रिपेरिंग फॉर नावार्ड एग्जाम इट इज एन कॉम्पिटेटिव एग्जाम सो यू कैन पिक एनी न्यूज पेपर इट मे भी हिंदू इट मे भी इंडियन एक्सप्रेस इट मे बी टाइम्स ऑफ इंडिया और इवन इट मे भी बिजनेस स्टैंडर्ड्स मीट एनीथिंग वट एवर यूर इंटरेस्ट लाइज इन बट रीड इट डेली मेक अ हैबिट सो दैट आप एडिटोरियल्स पढ़ के उनको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें धिस इज अल सोल्यूशन टू इम्प्रूव यूर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अल्सो एंड यूर ग्रामर ऑल्सो ओके सो यू कैन फॉलो धिस वन बुक यू सॉल्व क्वेश्चनो दिशा पब्लिकेशन एंड अ हैबिट विच यू आर बिल्डिंग इज अबाउट न्यूज पेपर रीडिंग

इफ यू चूज लूसेंट कंप्यूटर डोंट चूज दिस अरियंत इफ यू चूज अरियंत कंप्यूटर अवेयरनेस देनी वन फॉर सॉल्विंग द प्रैक्टिस क्वेश्चनेशन ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर क्वेश्चन ओके तो इस तरह से आप डेफिनेटली ये जो टोटल कंप्यूटर अवेयरनेस या फिर कंप्यूटर नॉलेज इसका जो इस सब्जेक्ट के जो बुक्स है एनी वन आउट ऑफ लूसेंट और अरियंत

री एंड यू डोट नीड टू लूसेंट कवर करके कोई फायदा नहीं है बिकॉज जनरल अवयरनेस के लिए लूसेंट भी है बट इट इज अ वेरी बल्कि एंड ह्यूज बुक अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाउड जफेयर इट इज ऑल्सो समाइम्स वेरी वेरी बल्कि राइट ऑल्सो देर इज नो एनी गारंटी दैट इन सच एग्जाम्स लाइक नाबार्ड डेफिनेटली क्लाउड जफेर से ही क्वेश्चन आएगा कि नहीं बट स्पॉटलाइट हैजिवन अ वैलिडिटी ओके देर इज एन रेप्यूटेशन जो कि स्पॉटलाइट ने बिल्ड किया है विद इन टरी बॉडीज एग्जाम जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर करते हैं जो भी फाइल्स अपलोड हो रहे हैं स्पॉटलाइट मैग्जीन मंथली आप कवर करो दिस इज अ गोटी सोल्यूशन फॉर जनरल अवेयरनेस वंस वी आर डन विथ जनरलनेस देन वी कम एट दिन अवेयरनेस बट फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सोशल

फॉलो धिस स्मॉल बुक ओनली लुक एट दिस बुक दिस इज ओनली वन स्मॉल बुक अगर आप इस एक बुक को फॉलो करते हो डेफिनेटली आपका डिसीजन मेकिंग आराम से क्लियर हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम धिस बुक यू हैव टू फॉलो चेतन सर वीडियो ओके तो चेतन सर प्ले लिस्ट बनाते हैं एवरी इयर फॉर नाबार स्टूडेंट ही मेक्स प्ले लिस्ट ऑफ ऑल द डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सम मॉडल क्वेश्चनोराज वेल एज द्ले लिस्ट ऑफ सर फॉर डिसीजन विच विल कम जस्ट बिफोर द एग्जाम की हालत आपकी अक्षय वी हैव कवर्ड फॉर यू थ्रू चेतन सर प्ले लिस्ट एज वेल एज धिस बुक इज एक्चुअली रेडी टू गो फॉर डिसीजन मेकिंग नाव एज वी है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच वे सिक्स

कैसे करे दो अलग अलग सब्जेक्ट है ओके okay? इनको कैसे करे इकोनॉमी के ही चार चार पांच पांच बुक्स है मार्केट में इवन इंडियन सोसाइटी के भी चार चार बुक्स बुक्स है मार्केट में राइट सो थाउजेंड ऑफ बट यू डोंट नीड टू वरी आई एम गोइंग टू रिकमेंड ओनली वन वन बुक फॉर यू सिंपल नाउ दिस आर द बेसिक एनसीआरटीज फर्स्ट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स दिस टू एनसीआर आर कंपल्सरी एंड यू हैव रेड इट अर्लियर इन यूर स्कूलिंग राइट तो प्राइमरी सेकेंडरी में आपने डेफिनेटली ये दो एनसीआर आपने पढ़े हैं तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको फिर से एक क्विक रीड देनी है आर कंफ्यूज सर रमेश सिंह ले ले कि कौन सी बुक ले सो आई विल रिकमेंड यू अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प बुक विच कैन डेफिनेटली क्लियर ऑल योर डाउट्स रैदर देन बाइंग रमेश सिंह और एमपुरी गो फॉर नितिन सिंगानिया इंडियन इकोनॉमी ओके मेनी ऑफ द सिविल सर्विसेस एज वेल एज अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये बुक है बट द एडवांटेज ऑफ दिस बुक इज दैट दिस बुक इज वेरी वेरी शॉर्ट एंड द इन्फॉर्मेशन एज वेल एज कॉन्सेप्टीवन इन क्रिस्प लैंग्वेज विच आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ओके सो हियर नितिन सिंगानी इंडियन इकोनॉमी आई विल रिकमेंड टू यू गाइज प्लीज फॉलो दिस रादर देन बाइंग 800 पेजेस ऑफ रमेश सिंह रमेश सिंह ऑलरेडी 800 पेजेस का है एम पुरी भी सिमिलरली 900 टू 800 पेजेस का है तो 800 800 पेजेस के जो बुक्स है वो पढ़ने से बेटर है आप ये नितिन सिंघानिया जी का इंडियन इकोनॉमी पढ़े इट्स अ शॉर्ट क्रिस्प बुक जो कि आप आराम से 1 टू 2 मंथ्स में कवर कर सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल इश्यूज यू कैन डेफिनेटली रीड रीड राम आह बुक सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया तो इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स में डेफिनेटली राम आहूजा इज अ सोशोलॉजिस्ट उनके बुक आप पढ़ सकते हो इन कंटेक्स ऑफ सोशल इश्यूज एंड सोशल जस्टिस देन कम्स अपार्ट फ्रॉम दैट यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे दीज पीडीएफ एंड समरी वी प्रोवाइड ऑन आर प्लेटफॉर्म एज वेल एज वीडियो इज ऑल्सो डन डेडिकेटेडली फॉर यूनियन बजट ऑल्सो एज वेल एज फॉर इकोनॉमिक सर्वे सिमिलरली अदर रिपोर्ट्स विच आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज

धिस वे यू कुड सी दैट ई एस आई के रिलेटेड रिपोर्ट भी हमारे अपलोडेड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेन ई एस आई इज डन लेट्स मूव टू द

हाउ मच अनियलिस्टिक कैन अ स्टूडेंट भी और इवन वेरियस प्लेटफॉर्म्स कैन भी वेन दे रिकमेंड टू डिफरेंट एस्पिरंट्स फॉर नाबार्ड की इतनी सारी बुक्स है सारी के सारी पढ़ लो नो यू डोंट नीड टू रीड ऑल सच बुक्स रैदर देन दैट आई रिकमेंड टू यू दैट आउट ऑफ ऑल दीज रिकमेंडेड बुक्स यू कैन चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग बुक्स सो फर्स्ट इज वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू बाय अरुण कात्यायन दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर अब ये दो वॉल्यूम की एक ही बुक है ओके सो वॉल्यूम टू आप इधर अरुण की बुक यूज कर सकते हो या फिर आप की की बुक बुक यूज़ कर सकते हो, ओके? ओके? सहाय भी एक तीसरी बुक है, ओके दिस इज बाय मल्टीपल राइटर्स बट आई रिकमेंड गो फॉर अरुण कात्यन टू वॉल्यूम एंड नीमराज सुंदर दिस टू बुक्स आर मोर देन सफिशियंट

fundamentals of agriculture volume 1 and 2 by arun katyan this is a must book and then competitive book of agriculture by nimraj sunda okay so these two books only i am re recommending if you are if you don't want to buy nimraj sunda you can go for jagdishwar Sahar. but jagdishwar Sahar's book is little bit technical so i'll recommend nimraj sunda and arun katyan for you all guys then comes again the reports which are related to agriculture and rural development in course, I will let you know. See here microfinance report, NABAD annual, NABAD annual report, livestock census, NAFIS survey, agricultural census, terms and trades in agricultural report, census, Yafir migration review report. Then comes. So, all these AID related reports are there. These have been uploaded in our course section. Now, you will say, sir, what about for the students? यहां पर कोर्स नहीं ज्वाइन किया तो हम क्या करें तो ये जो भी लिस्ट है जितने भी रिपोर्ट की विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एआर थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दैट दिस लिस्ट ऑल्सो वी विल डेफिनेटली अपलोड इट इन डिस्क्रिप्शन इन डिस्क्रिप्शन नेम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट फॉर ए आर डी ऑल्सो एंड ई एस आई ऑल्सो What you can do is that you can go on the internet and you can pick out free summaries of this report, which are there in different internet sources. Up SAB prepare corruptive. But reports are also very important from phase one point of view. We have completed overall book list for all the eight subjects of Nabad grade exam. First six subjects in phase one, and then two subjects which were in phase one also and which were in phase two also. So don't do like this person. जिसके पास पुराने बुक्स तो है ही कोर्स मटेरियल है भी ओके ही इज हैविंग ऑलरेडी टू थ्री बुक्स अलोंग विथ हिमसेल्फ बट देन ऑल्सो इज रनिंग आफ्टर न्यू बुक्स तो हमें यह नहीं करना है रैदर देन पाइलिंग यूर सेल्फ विथ डजन ऑफ बुक्स दीज अगर आपने ये बुक्स की पाइलिंग पाइलिंग कर ली दीज बुक्स विल बिकम अ लोड ऑन योर शोल्डर्स सो रैदर देन दैट चूज ओनली वन बुक और टू बुक्स एट मैक्स एंड डू सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ दोज बुक्स

जितने भी स्टूडेंट्स को यहां पर देने वाले हैं बट हाउ द गिव अवे वी आर गोइंग टू गिव इट्स वेरी वेरी सिंपल इन होल ऑफ दिस वीडियो अभी जो ये वीडियो बना है मैंने जितनी बार भी बुक और दैट नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू राइट इन कमेंट सेक्शन ओके सो हाउ मच टाइम द बुक और बुक्स ये वर्ड वॉज सेड इन दिस वीडियो यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन सो so, आप इस वीडियो में जाओगे आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि सूरज सर ने बुक book या बुक्स ये वर्ड कितनी बार कहा है ये कमेंट सेक्शन में लिखोगे राइट द पर्सन हु हैज रिटन करेक्टली हाउ मच टाइम आई सेड बुक और बुक्स विल गेट अ फ्री कॉपी ऑफ धिस पॉइंट एंड रीजनिंग फ्रॉम आर प्लेटफॉर्म सो दिस वॉज द सरप्राइज एज वेल एज गिव अवे फॉर ऑल दो कैंडिडेट्स विच विल सक्सेसफुली राइट द नंबर ऑफ टाइम्स विच आई हैव सेड बुक और ओके सो धिस वॉज स्पेशल गिव अवे टू ऑल ऑफ द नाबार्ड एक्सपीरेंट्स तो जिनको भी लगता है दैट ओके मुझे ये क्वाड का बुक चाहिए कुछ भी करके एंड एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक for the regulatory body exams and why i can show it to you guys that your level-wise segregation is there first easy questions then moderate questions then difficult questions the syllabus also is structured in such a way according to the syllabus of rbi sebi and nabard apart from that sebi rbi or nabard previous year questions b have been aligned to the end of this book so in this book you are getting almost everything सो दैट्स वाई आई थिंक दिस गिव अवे इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर यू गाइज सो मैंने जितनी बार भी ये दो वर्ड्स कहे हैं ये दो वर्ड्स आप कमेंट सेक्शन में हमारे वीडियो के नीचे लिख दो द पीपल हु विल राइट करेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स दीज वर्ड्स विच आई हैव सेड हैच आर बुक और बुक्स ये जितनी भी बार मैंने वीडियो में कहा है ये जो भी लिखेंगे एंड All those students who will write the number of times which is actually correct in the comment section, they will definitely get a giveaway book from our side. Okay, so thank you and best of luck and start preparing as the book list now is with you.